Hello grade 5 students welcome back to your maths class in this video we'll continue with explanation and textual exercise portion of chapter number 14 how big how heavy page number 197 the topic is trek to gangotri the students of class 12 are going on a trek to gangotri they have to pack their bags for 6 days and keep them light अब बच्चे जा रहे हैं गंगोत्री के ट्रैकिंग पे यानी गंगोत्री जा रहे हैं उनको अपने बैग पैक करने हैं कितने डेज के लिए सिक्स डेज के लिए लेकिन ध्यान रखना है कि बैग का जो वेट है वो लाइट होना चाहिए दे ऑल्सो हैव टू टेक थिंग्स टू डू नॉट टेक टू मच स्पेस ऐसी चीज़ें लेनी है जो चीज़ें ज़्यादा स्पेस ना लेती हों सो दे लुक फॉर थिंग्स दैट हैव बोथ लेस वॉल्यूम एंड लेस वेट तो उनको ऐसी चीज़ें पैक करनी पड़ेंगी जिनका वॉल्यूम भी कम हो और वेट भी कम हो आफ्टर ऑल दे विल कैरी देयर ओन बैग्स वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेंस क्योंकि वो अब क्या करेंगे खुद का बैग खुद ही कैरी करेंगे जब वो माउंटेन्स क्लाइंब करेंगे तब दे इवन ड्राई द अनियन एंड टमेटोज टू मेक देम लाइट तो बच्चों ने क्या किया अनियन और टमेटो को सुखा दिया ताकि उनका वेट जो है वो कम हो जाए वन के जी ऑफ अनियन और टमेटोज बिकम्स हंड्रेड ग्राम्स वेन द वॉटर इन साइड राइस अप जब उन्होंने वन के जी या फिर वन के जी टमेटोज को सुखाया तो कितना बचा हंड्रेड ग्राम बाकी का जितना भी पानी था वेजिटेबल्स के अंदर वो उड़ गया द लिस्ट ऑफ फूड ईच पर्सन विल नीड इज गिवन योर अब हमें ये लिस्ट दी है ठीक है राइस हंड्रेड ग्राम्स Flour hundred gram, pulses one third of the weight of rice and flour, oil fifty gram, sugar fifty gram, milk powder forty gram, tea around ten gram, dahlia forty gram, salt five gram, dried onions ten gram, and dried tomatoes be ten gram. For six days, each person will need. राइस एंड फ्लोर डैश हर एक जने को छः दिन के लिए कितने राइस एंड फ्लोर चाहिए ठीक है तो हमें लिस्ट में देखो दिया है राइस हंड्रेड ग्राम और फ्लोर भी हंड्रेड ग्राम ये क्या है एक दिन के लिए है हमें सिक्स डेज के लिए फाइन करना है तो हम लिखेंगे टोटल राइस एंड फ्लोर रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन फॉर अ सिंगल डे यानि एक दिन में एक जने को कितना राइस एंड फ्लोर चाहिए टू हंड्रेड ग्राम हमें सिक्स डेज के लिए फाइन करना है तो क्या करेंगे टू हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई सिक्स इज इक्वल्स टू ट्वेल्व हंड्रेड ग्राम फिर बोला है पल्सिस डैश ग्राम कितनी पल्सिस चाहिए तो हमें लिस्ट में पल्सिस के लिए क्या दिया है वन थर्ड द वेट ऑफ राइस एंड फ्लोर यानी जितना राइस एंड फ्लोर है उसका वन थर्ड तो कितना राइस एंड फ्लोर चाहिए ट्वेल्व हंड्रेड ग्राम तो ट्वेल्व हंड्रेड ग्राम का वन थर्ड करेंगे तो क्या आंसर आएगा फोर हंड्रेड ग्राम्स देन क्वेश्चन सी ड्राइड अनियंस ड्राइड अनियंस का कितना मेजरमेंट दिया है टेन ग्राम फॉर वन डे ठीक है सिक्स डेज के लिए फाइन करना है तो सिक्स इंटू टेन इज इक्वल्स टू सिक्सटी ग्राम्स देन क्वेश्चन टू हाउ मच ऑफ फ्रेश टोमेटोज शुड बी ड्राइड अप फॉर सिक्स डेज फॉर टेन पीपल कितने फ्रेश टमेटोज ड्राई करने हैं सुखाने हैं सिक्स डेज के लिए एंड टेन पीपल के लिए फॉर वन ग्राम ड्राई टमेटो वी नीड टेन ग्राम फ्रेश टमेटोज एक ग्राम ड्राई टमेटो के लिए हमें टेन ग्राम फ्रेश टमेटो चाहिए तो टेन ग्राम ड्राई टमेटोज़ के लिए हमें कितना चाहिए टेन इंटू टेन यानी हंड्रेड ग्राम फ्रेश टमेटोज तो सिक्स डेज़ के लिए कितना चाहिए सिक्स इंटू हंड्रेड इज़ इक्वल्स टू सिक्स हंड्रेड ग्राम ऑफ फ्रेश टमेटोज ओके देन क्वेश्चन थ्री वॉट इज़ द टोटल वेट ऑफ फूड फॉर सिक्स डेज इन ईच पर्सनस बैग हर एक पर्सन के बैग में छः दिन के लिए जो हमें सारी लिस्ट दी थी उसमें तो कितना वेट आएगा वो हमें बताना है तो हमने राइज एंड फ्लोर एंड पल्सिस का वेट फाइन कर लिया ड्राइड अनियंस का फाइन कर लिया बाक़ी हमें क्या करना है जो भी यहाँ पे हमें मेजरमेंट दिया है जितना भी वेट दिया है उसे मल्टीप्लाई बाय सिक्स करना है क्यों क्योंकि ये वन डे का मेजरमेंट है हमें सिक्स डेज के लिए फाइन करना है देखो ऑयल कितना दिया है फ़िफ्टी ग्राम तो फिफ्टी इंटू सिक्स इज इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड ग्राम ठीक है शुगर कितना दिया है देखो लिस्ट में ऊपर क्वेश्चन में फिफ्टी ग्राम तो फिफ्टी इंटू सिक्स इज इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड ग्राम आपको ऐसे ही सारे ही मटेरियल को मल्टीप्लाई बाय सिक्स करना है जिनका वेट हमने क्वेश्चन में फाइंड नहीं किया है उनको ठीक है जिनका वेट फाइंड नहीं किया है उनको मल्टीप्लाई बाय सिक्स करना है और टोटल वेट फाइंड करना है कितना आया टोटल वेट टू थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी ग्राम ओके नाउ ऑन पेज नंबर वन नाइन्टी एट टॉपिक इज हाउ हैवी एम आई क्वेश्चन वन गेस हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑफ़ योर वेट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट ऑफ फाइव थाउजेंड के जी अब बोला है कि एक एलिफेंट है जिसका वेट है फाइव थाउजेंड के जी और बोला है कि आपके वेट के कितने बच्चे उस एलिफेंट के वेट के इक्वल होंगे सो वेरी फर्स्ट थिंग इफ़ यू आर यूजिंग योर ओरिजिनल वेट फॉर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन तो सबका आंसर अलग अलग आएगा ठीक है मैंने यहाँ पर अज्यूम किया है कि एक बच्चे का वेट है थर्टी किलोग्राम ठीक है थर्टी के जी और एलिफेंट का वेट है फाइव थाउजेंड के जी तो क्या करेंगे फाइव थाउजेंड डिवाइड बाई थर्टी इज इक्वल्स टू वन सिक्सटी सेवन यानी अगर वन सिक्सटी सेवन बच्चों का वेट मिलाएंगे तब जाके एक एलिफेंट का वेट बनेगा क्वेश्चन टू एट बर्थ अ बेबी एलिफेंट वेज अराउंड नाइन्टी के जी हाउ मच डिड यू वे वेन यूअर बॉर्न फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स इज़ अ बेबी एलिफेंट हैवियर देन यूअर एट बर्थ अगेन दिस इज अ क्वेश्चन जहाँ पर सबका आंसर अलग अलग हो सकता है बेबी एलिफेंट का वेट है नाइन्टी के जी हमें बोला है कि जब हम बॉर्न हुए थे तब हमारा वेट कितना था और जब हम बॉर्न हुए थे तब हमारे वेट से एलिफेंट जो अभी बॉर्न हुआ है उसके वेट में कितने टाइम्स का डिफरेंस है सॉल्यूशन देखो वेट ऑफ अ बेबी एलिफेंट इज इक्वल्स टू नाइंटी किलोग्राम माई वेट एट बर्थ थ्री किलोग्राम सो नाइंटी डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल्स टू थर्टी यानि जो बेबी एलिफेंट है वो मेरे वेट से थर्टी टाइम्स ज्यादा हैवी है क्वेश्चन थ्री इफ अ ग्रोन अप एलिफेंट ईट्स वन थर्टी सिक्स के जी ऑफ फूड इन अ डे देन इट विल अराउंड डैश के जी इट विलउंड डैश के जी इन अ मंथ गेस अबाउट हाउ मच इट विल लीट इन अयर अब बोला है कि अगर एक एलिफेंट वन थी थर्टी सिक्स के जी फूड एक दिन में खाता है तो वो वन मंथ में कितना खाएगा और वन ईयर में कितना खाएगा ठीक है अगर वो एक दिन में वन थर्टी सिक्स के जी खा रहा है तो वन मंथ में वन मंथ इजल्स टू डैश डेज थर्टी सो वन थर्टी सिक्स इंटू थर्टी तो आंसर आएगा फोर थाउजेंड एटी के जीज ये हमें मिल गया वन मंथ का अब फोर थाउजेंड एट्टी मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व कर सकते हैं येस बिकॉज वन ईयर इज इक्वल्स टू ट्वेल्व मंथ्स सो फोर थाउजेंड एट्टी मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व इज इक्वल्स टू फिफ्टी थाउजेंड के जी ऑफ फूड यानी वो एलिफेंट जो है वो वन ईयर में फिफ्टी थाउजेंड के जी फूड खा सकता है ओके स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चन प्रॉपरली नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो टिल देन बाय बाय